ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरी जाने जा। क्या बात है, इन वादियों में यही गीत याद आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। अभी आगे फिर मिलता हूँ आपसे। और यहाँ इस तरह की छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो अपनी प्राइवेट जगह पर दुकानें बना लेते हैं। घर भी यही होता है, दुकान भी इसी तरह की होती है। और जब ठंड ज़्यादा होती है या दिसंबर का महीना होता है तो ये इस तरह से लकड़ियाँ काट काट के जमा करके रखते हैं पहले से ही, दिसंबर आने के पहले से ही, ताकि सर्दियों में इन्हें जला सके और अपना सर्दी का बचाव कर सके। ये देखिए वहाँ पे भी लकड़ियाँ जमा कर रखी सबने। देखिए कितनी बड़ी पहाड़ी है, इससे भी ऊँचे ऊँचे पहाड़ है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। पानी निकलता है और उसकी स्टोरी जो है वो स्टोरी भी हमने लगभग पता की है लोकल लोगों से, तो हमें तो जो पता चला है वो इस तरह है कि मनु ऋषि मणिकरण से गर्म पानी लेकर वशिष्ठ की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर रुके बीच के अंदर, तो यहाँ पर एक और ऋषि थे जिनसे वो टकरा गए और वो गर्म पानी नीचे गिर गया। उस पर उन ऋषि को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने उनको कुछ कहा होगा या जो भी उस वक्त सिचुएशन हुई होगी, लेकिन ऋषि मनु ऋषि जिससे वो टकराए थे उन्होंने अपना तीर कमान उठाया और एक तीर चलाया, और सामने मैं आपको उस पहाड़ पर भी लेके जाऊंगा जहाँ पर उन्होंने तीर चलाया और वहाँ पर दो छेद हुए, उसमें से एक छेद में से गर्म पानी निकलता है 6 महीने, फिर वो छेद बंद हो जाता है और दूसरे वाले छेद से फिर वापस गर्म पानी निकलता है। तो मतलब एक साल में दोनों छेद से 6 महीने इधर और 6 महीने उधर से गर्म पानी निकलता है, ऐसा यहाँ की स्टोरी यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया। आइए बात करते हैं, हमारे बीच ऐसे ही कुछ लोकल हैं, उनसे बात करते हैं ये स्त्री कहाँ तक सत्य है। हाँ सर बताइए। ये जो मनु ऋषि जो आए थे तेल लेकर, जैसा पानी गर्म पानी लेकर, गर्म पानी लेकर मनु ऋषि आए, मनु ऋषि आए थे जैसा ये तो पहुंचा तो चांडर ऋषि ने क्या उसको, चांडर ऋषि थे वो जिनसे टकराया, उसने धक्का दे दिया, धक्का देते तो पानी कुछ यहाँ गिर गया जी। तो जो वशिष्ठ वाले ऋषि को गुस्सा आ गया, थोड़ा नाराज, उसने क्या कर दिया तो थोड़ा तेल पानी के ऊपर तेल फेंक दिया, जैसा पानी है ना पानी वहाँ जसला तो ऊपर से तेल जैसा, तभी यहाँ पे गर्म पानी निकलता है, उसमें थोड़ा सा तेल भी नजर आता है, तेल की तरह नजर आता है। अभी तो क्या प्योर हो गया मेरा ना, एक दुनिया में बाथरूम में लेके पानी कहाँ कहाँ ले गया, जो देव तक जो पानी प्योर माल थोड़ा ये दूर चल गया ना, उतने का सही है जी जी। जैसे ये नहाने जाते हैं देव तक वगैरह के सोचा कर, तो ऊपर वशिष्ठ ऋषि के ऊपर जाते हैं वहाँ पर है पानी प्योर, वशिष्ठ ऋषि में प्योर पानी गर्म, वहाँ पर भी गर्म पानी और मणिकरण में भी गर्म पानी, मणिकरण भी है और वहाँ पर देवता देवता जितने जाते हैं नहाने धोने वहाँ जाते हैं ना, गर्म पानी ऋषि के साथ ले, 6 महीना एक साथ, जैसे भाद्र भी होते हैं खासकर त्योहार में नहाते जाते बहुत याद जाते हैं, तो 6 महीने एक छेद से पानी निकलता है, 6 महीने दूसरा साइड, 6 महीने से दूसरे छेद से पानी निकलता है और वो कंटिन्यू निकल रहा है, वो कंटिन्यू भी होगा, अभी भी निकल रहा तो 6 महीने अभी भी निकल रहा होगा, घर में कोई शुद्ध कम होगा या तो ऊपर वाला पानी, फिर यही पानी जाते शुद्ध करने से सुच्चा बिल्कुल बाहर कर, कोई आदमी में बिल्कुल साफ ना, गाड़ी में डाकर गाड़ी में पानी छिड़का कर बोतल में डाकर, उसको पीते भी हैं क्या, पीते हैं उसको, नहाते हैं, अच्छा उससे नहा भी सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं, वहाँ पर साबुन नहीं लगाते हैं, साइड से बर्तन या कोई चीज़ आप उसको खा सकते हैं। कहते हैं ये भोले का प्रसाद भी है, कुछ लोगों ने ऐसा बताया, ऐसा ही है ना, वैसे सारे भोले शंकर को मन करें तो उसी का ये सारे, फिर यहाँ से आए फिर यहाँ से मन भी शहर देखा शुद्ध पानी लाकर। तो देखा आपने अभी किस तरह से यहाँ के एक लोकल व्यक्ति ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पहाड़ में दो होल है, दो छेद है, जिसमें से 6 महीने एक में से ठंडा पानी आता है और 6 महीने एक में से गर्म पानी आता है, यानी पानी रुकता नहीं है, कंटिन्यू रहता है, फर्क इतना कि 6 महीने ठंडा आएगा 6 महीने गर्म आएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है जो मैं आप सबको दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऐसा सिंगर के जरिए। एक्चुअली मैं मनाली आया हुआ हूँ यहाँ प्रोग्राम करने, तो मैंने सोचा कि आप सबको ये यहाँ का नज़ारा भी दिखा दूँ। मिलते हैं। क्या नाम रखा है इस भैंस का? कालो। वाह यार, भैंस का भी नाम रखा, देखो काली काली भैंसो पे डोरे न डालो। ये भैंस नहीं है तो क्या है? गाय। अच्छा गाय है ये। ओहो मुझे तो भैंस जैसी लगी है। और ये भी गाय।
ये भी गाय है, देखिए बच्चा छोटा लेकिन जवाब अच्छे दे रहा है। क्या नाम आपका? अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? अच्छा क्लास। बच्चे जी कुछ भी कह सकते हैं। अभी और दिखाते हैं आपको कुछ नया। बड़ा कांटों वाला रास्ता पार करना पड़ रहा है साहब, और हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से ये पानी निकलता है। अरे मेरे दोस्त लोग कहाँ चले गए? भाई लोग कहाँ चले गए? ये काम छोटा सा है। ओह माय गॉड, ये कोई देवी देवता का स्थान है यहाँ, जो कि अक्सर पहाड़ों में ऐसे ही मिलते हैं। तो फाइनली मैं उस जगह पहुंचने वाला हूं जहां से पानी निकल रहा है। मेरी सांसें फूल रही है, बस वहां तक पहुंच जाऊं फिर मैं वीडियो एडिट कर दूंगा। आपको ये दिखाना ज़रूरी है बस। तो फाइनली मैं उस जगह पहुंच गया। ये देखिए, ये वो जगह है जहां से ठंडा पानी आता है 6 महीने और 6 महीने गर्म पानी आता है। ओके, इसी के साथ में आज का ये मेरा ब्लॉग समाप्त करता हूँ। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।